हम परम पूज्या बड़ी बुआ जी की याद में हम यहाँ बैठे हैं। उनका चेहरा वो याद आता है जब थोड़ा सा मुस्कुरा देती थी तो संत का जो सानिध्य होता है वो अगर संत मुस्कुरा देता है तो वो वहाँ समा अलग ही हो जाता है। हम जानते हैं जिन्होंने भी उनके दर्शन किए हैं, जिन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त किया है और जिन्होंने जिया माँ को और आपको दोनों को देखा है, वो जानते हैं कि आप देवीय संपदा की धनी थी और जिया माँ की शक्तियों को लेकर बैठती थी। कभी कभी यहाँ के कुछ सत्संगी भाई जब मुझसे मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब हम किसके पास जाएं, क्योंकि जिन परिवारों को, जिन साधकों को संत के सानिध्य की आदत हो जाती है उनके जीवन में और कुछ नहीं रहता। उनको हर छोटी बड़ी बात के लिए किसी संत का सहारा चाहिए और उसके ना होने पर वो उनका दिल ही जानता है। क्योंकि हमने जिया माँ को भी देखा और आपको भी देखा, उनके विभिन्न रूपों को भी देखा, कभी कभी साधक जब जिज्ञासु जब पहली बार उनके दर्शन को आता, उनके दर्शन मात्र से उसके अंदर से प्रेरणा, ऐसी प्रेरणा होती कि मैं भी ऐसे ही आत्मीय गुणों को प्राप्त करूं, मेरी भी अवस्था ऐसी ही शांति में शीतल अवस्था हो, और वो अपने अंदर अंतर के गुणों को टटोलता और यही संतों के सम्मुख जाने से परिवर्तन होता है कि हम अपने हमारे अंतर में कुछ परिवर्तन होता है। ऐसे पहचानने हमको अंतर को पहचानने की ताकत आती है, एक कारण मिलता है कि हम हमारे अवगुण और जो अभी तक जिन गुणों को, जैसा पंडित जी महाराज ने कई जगह लिखा है कि उन सोए हुए गुणों को वो संत का एकमात्र दर्शन जगा देता है और वही हमको इस साधना की ओर अग्रसर करता है। वो एक दर्शन जीवन भर याद रहता है। संत की उपस्थिति इस पूरे जगत के लिए कितनी आवश्यक है, क्योंकि ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए यही स्थूल के रूप में उनको देखकर ये एक ऐसी प्रेरणा होती है जो साधक कभी भूल नहीं पाता, और उसमें शैने शैने ऐसे गुण प्राप्त होते हैं कि जैसे कहा जाता है
के हंस की भांति वो उसको जीवन में जो जैसे हंस अवगुणों को छोड़कर सिर्फ गुणों को धारण करता है, वो पत्थर को छोड़कर सिर्फ मोतियों को चुनता है, ऐसा जीवन साधक का बनता है कि वो सिर्फ अच्छाइयों को ही सहारा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ये सिर्फ संत का सानिध्य उसके जीवन से अपने जीवन को स्पर्श करा देने की बदौलत होता है। और दूसरा रूप आपका तब दिखलाई पड़ता है जब वो करुणामयी, जब हम अपनी किसी गंभीर परिस्थिति में उनके सम्मुख जाते हैं तो उनका गंभीर चेहरा, वो मैंने परम पूज्या के सम्मुख देखा है, जैसे हम सुनते हैं वैष्णव देवी के लिए कि चलो बुलावा आया है, तो मैंने स्वयं देखा है कि वो कैसे याद करती थी कि वो आजकल, वो साधक आजकल आ नहीं रहे, उनको ऐसी याद हो आती और उधर वहाँ पर उस साधक के, उस प्रेमी के भी मन में ऐसी जिज्ञासु उमड़ती कि वो उनका ख्याल उसको भी आने लगता। और ये वो उसको पता भी नहीं चलता कि ये इस तरह की टेलीपैथी माँ और पुत्र में जैसे होती है, वैसा ही प्रेम उनको उधर खींच लाता। और जब साधक को किन्हीं परिस्थितियों के वश अपने को बलहीन पाता, तब उन किसी संत के सम्मुख जाने से एक असीम बल की प्राप्ति होती, एक निर्भयता आती। और वो निर्भयता हम अगर अपने अंतर में देखें तो हम भयभीत क्यों होते हैं, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में भूलें की होती हैं, हमारी कमजोरियां होती हैं, हमारी कमियां होती हैं, और वो हमको निरंतर परेशान करती हैं। लेकिन माँ का ऐसा रूप होता है, माँ के सम्मुख जाके जब साधक, जब उनका प्रेमी वो माँ को कह देता है तो उसको जो संत रूप में माँ वहाँ बैठी है, उसको एक ऐसा बल प्राप्त होता है जिससे वो अब उसको उन सब से लड़ने की क्षमता आती। क्योंकि अगर हम उसमें अपना असीम बल नहीं देंगे तो वो जो कमजोरियां हैं उससे हम दूर नहीं हो सकते, वहाँ असीम बल की ज़रूरत है, किसी के सहारे की ज़रूरत है। तब हम उस जो हमारी अवस्था है उससे दूर हो सकते हैं। सब कहते हैं कि अंतर में ही शक्ति है, अंतर में ही हम अपनी देवी रूप में जो शक्तियां हैं वो हमारे अंतर में हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमने उन शक्तियों को स्थूल रूप में, माँ के रूप में, परम पूज्या बुआ जी, परम पूज्या जिया माँ, इन सब माताओं में देखा है, वो सम्मुख देखा है। और सम्मुख देखने पर हम अपने अंतर में उनको डेवलप करते हैं और वो हमें ऐसा बल देती है कि हम उन जो गंभीर से गंभीर हमारी जो हमारी कमियां हैं उनको भी हम उनके सानिध्य से हमको जो बल मिलता है उससे हम दूर करते हैं। ये सब संत का सानिध्य, ये हमारे लिए कितना आवश्यक होता है कि हमारा पूरा जीवन वो इतना सरल हो जाता है, सहज हो जाता है
और इसीलिए ये परम आवश्यक है कि हम किसी से अपना संबंध जोड़ लें। जब कभी परम पूज्य जिया माँ, परम पूज्य पापा जी बड़ी बुआ जी की बात करते थे तो उनमें कुछ परिस्थिति बीच में ऐसी आई तो वो यही कहते थे कि वो जो हमने सुना और आज जो महसूस करते हैं कि उनकी जैसी भी परिस्थिति आई उन्होंने उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। वो उनके अंतर में उनके अंदर बहुत सहनशीलता थी और वो उनके चेहरे की गंभीरता को दिखलाती थी। जो धैर्य, जो सहनशीलता, जो संतों के गुण उनमें भरे हुए थे। आज हम उनकी याद में बैठे हैं, उनके करुणामयी उनका मुखमंडल, ओजपूर्ण मुखमंडल यहाँ उनकी याद आ रहा है। उनसे प्रार्थना है कि हम सब पर ऐसी दया करें कि ऐसा प्रकाशमयी, ऐसा करुणामयी और ऐसा शांति देने वाला आपका जो अस्तित्व है वो हमसे दूर ना हो, हमें आप हमेशा अपने उसमें रखें, यही प्रार्थना।